जय हिंद दोस्तों, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर उत्तर प्रदेश बीएड सेकंड सेमेस्टर में आपका एक सब्जेक्ट है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी शैक्षिक तकनीकी। दोस्तों ये आपके कंपलसरी सब्जेक्ट है और ये आपको पेपर देना ही देना है। तो इस वीडियो में हम वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के बीएड सेकंड सेमेस्टर के एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट की फर्स्ट यूनिट को कम्प्लीट डिस्कस करेंगे कि इसमें सवाल कैसे पूछते जाते हैं और आपको कैसे लिखना है। हमारा मेन फोकस रहेगा एग्जाम प्रिपरेशन के हिसाब से कि कैसे आप बना के लिखेंगे, तो इसलिए मैं आपको इस साथ साथ नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा। अगर हम दोस्तों आपके एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में आपके फर्स्ट यूनिट में केवल दो पॉइंट है। पहला क्या है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की बेसिक चीज़ें। बेसिक चीज़ें मतलब इसकी अर्थ क्या होती है, ये इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है और इसके स्कोप और सिग्निफिकेंस क्या होते हैं, मतलब शैक्षिक तकनीकी की अर्थ, इसकी अवधारणा, स्कोप का मतलब क्षेत्र की कौन कौन से क्षेत्र में शैक्षिक तकनीकी काम करता है और इसके सिग्निफिकेंस क्या, इसके प्रभाव पड़े क्या, इसका महत्व रहा है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट है जो कि आज हम इस वीडियो में देखेंगे। दूसरा पॉइंट आपका ट्रेनिंग स्ट्रेटजी है जिसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। ट्रेनिंग स्ट्रेटजी का मतलब आपको ट्रेंड किया जाएगा कि आप बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। कुछ ऐसे टीचिंग टेक्नोलॉजी के मेथड्स हैं लाइक डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, मतलब प्रदर्शनी विधि, प्रोग्राम लर्निंग, ये सारी चीज़ें कुछ मेथड्स हैं जिसको आपको पढ़ना है। तो आइए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। ये पहला क्लास होने वाला है और इसमें हम देखते हैं आपके वीर बहादुर सिंह नाम ही कितना प्यारा है, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर बीएड सेकंड सेमेस्टर के पहले यूनिट एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की हम बेसिक चीज़ें आज समझेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आता है दोस्तों कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की अर्थ क्या होती है, मतलब एजुकेशनल टेक्नोलॉजी होता क्या है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, एजुकेशन प्लस टेक्नोलॉजी, ये जो शब्द है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एजुकेशन और दूसरा टेक्नोलॉजी। अब इसका मतलब क्या हुआ, एजुकेशन में आपका टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकों का इस्तेमाल। अगर हम तकनीक का मतलब क्या होता है, तकनीक का मतलब होता है वैज्ञानिक, जो भी आपने साइंटिफिक रिसर्च करी है, जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करे हैं, जो साइंटिफिक साइंस से आपने गैजेट्स और डिवाइसेस बनाए हैं, उन सब का इस्तेमाल कर लीजिए एजुकेशन में। तो हम आसान से शब्दों में अगर कहें तो शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी सिद्धांतों का प्रयोग, ठीक है, क्या होता है, शैक्षिक तकनीकी कहलाता है। मतलब आप यूँ कह सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में वैज्ञानिक ज्ञान और सिद्धांतों का प्रयोग, ठीक है, वैज्ञानिक ज्ञान और सिद्धांतों का प्रयोग। और इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहें तो ये एज इट इज़ लिखिएगा अपने एग्जाम में कि शिक्षा के क्षेत्र में वैज्ञानिक ज्ञान एवं सिद्धांतों का उपयोग करके शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया शैक्षिक तकनीकी कहलाती है। या फिर आप अपने शब्दों में बनाना चाहें तो इस प्रकार से भी बना सकते हैं कि शिक्षा के निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में तकनीक का इस्तेमाल, अर्थात शिक्षा के क्षेत्र में वैज्ञानिक ज्ञान एवं सिद्धांतों का इस्तेमाल शैक्षिक तकनीकी कहलाता है। बस समझ में आ गई बात, चलिए यहाँ तक बात हो गई शैक्षिक तकनीकी अर्थ की। सेम वही चीज़ें दोस्तों, वही चीज़ें इसकी अवधारणा, मेन कॉन्सेप्ट यही है दोस्तों कि आप शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें, विभिन्न तकनीक इस्तेमाल करें और शिक्षा को आसान बना दें। तो शैक्षिक तकनीकी उन सभी प्रणाली, मतलब सभी मेथड्स, विधि एवं माध्यम का विज्ञान है जिसके द्वारा शिक्षा की उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। जो ऑब्जेक्टिव्स, जो एम्स हैं आपके एजुकेशन के, उसको प्राप्त करने के लिए जो भी टेक्नोलॉजी मेथड्स तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं आप, वो सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं, शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत आती है। तो यह तकनीकी विद्यार्थियों को ज्ञान देने के साथ साथ उनके व्यक्तित्व का भी विकास करती है। इसकी सहायता से शिक्षण अधिक्रम क्या होती है, सरल होती है, स्पष्ट होती है तथा प्रभावशाली बन जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी लिख सकते हैं कि द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन टू गेट द डिजायर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव फॉर एजुकेशन इज नोन एज द एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। और इससे होता क्या है, बाय द यूजिंग ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी वी मेक एजुकेशन ईजी, इफेक्टिव और लॉन्ग लास्टिंग, और भी आप कह सकते हैं सरल, स्पष्ट, क्लियर। तो वी गेट एक्यूरेसी, वी गेट एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन बाय द यूजिंग ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो इस तरह से आप शब्दों में बनाए गए इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, शैक्षिक तकनीकी की परिभाषा देख लेते हैं, डेफिनेशंस ऑफ द एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, कि विद्वानों ने इसे कैसे परिभाषित किया। और विद्वान भी कुछ अलग नहीं कहेंगे क्योंकि जब ये चीज़ें होती ही वही हैं तो अलग क्या कहेंगे। जैसे डॉक्टर एस कुलकर्णी ने कहा था कि शैक्षिक तकनीकी उन सभी प्रणाली, विधियों एवं माध्यमों का विज्ञान है जिसके द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है, ठीक है। वैसे ही लेथ ने कहा था कि शैक्षिक एवं अधिगम को सुधारने के लिए,
टीचिंग और लर्निंग को सुधारने के लिए अधिगम शिक्षण अधिगम एवं अधिगम स्थितियों में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग शिक्षा तकनीकी कहलाता है। मूल इसकी अवधारणा और मूल इसकी भावना यही है दोस्तों कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में टेक्नोलॉजी का यूज साइंस का यूज आपका क्या कहलाता है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कहलाता है। अब आइए बात करते हैं इसके स्कोप्स के बारे में क्षेत्र के बारे में कि कौन कौन से फील्ड में इसका कार्य होता है इसका फील्ड कार्य क्या क्या होता है। पहला आपका स्कोप पहला क्षेत्र है कि शिक्षा के लक्ष्य उद्देश्यों को चिन्हित करना। पहले ये डिसाइड करना कि हमें पढ़ाना है तो क्यों पढ़ाना है क्या पढ़ाना है किस लिए पढ़ाना है। जैसे अगर आप बीएड कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं आपको टीचर बनना है तो आपका ये लक्ष्य है कि आपको टीचर बनना है और उद्देश्य क्या है उद्देश्य ये है कि जो भी बीएड के टॉपिक से उसको समझना है फिर सीटेट क्वालिफाई करना है। लक्ष्य क्या है हमारा लक्ष्य हमारा टीचर बनना है। तो शिक्षा के उद्देश्यों को और लक्ष्यों को निर्धारित करना अधिगम वातावरण का नियोजन करना मोस्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अधिगम वातावरण का नियोजन से मतलब यह है कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से आप ऐसे वातावरण का इस्तेमाल कर दीजिए कि बच्चे वहाँ पे सीखें अधिगम वातावरण मतलब सीखने जैसा वातावरण माहौल बना दें। और आप देखेंगे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कितने डिवाइसेस स्मार्ट बोर्ड्स पैनल्स ये सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं वास्तव में क्या है ये एजुकेशन टेक्नोलॉजी का ही पार्ट है। अगर आप मोबाइल पे पढ़ रहे हैं अगर यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं तो ये भी क्या है दिस इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ द एजुकेशन टेक्नोलॉजी। विषय वस्तु की खोज तथा उसे संचरित स्ट्रक्चरिंग करना मतलब एक स्ट्रक्चर के रूप में बच्चों को प्रस्तुत करना। उपयुक्त शिक्षण व्यू रचनाओं टीचिंग स्ट्रैटेजी का अधिगम संचार लर्निंग मीडिया का चयन करना। अच्छा बच्चे कोई ज़रूरी नहीं है कि किताब से ही सीखें बच्चे और तरीके से भी सीख सकते हैं मोबाइल से सीखते हैं बच्चों के साथ खेल के सीख सकते हैं। तो ये क्या बनता है दोस्तों एजुकेशन टेक्नोलॉजी एक मीडिया एक माध्यम बनती है बच्चों को सीखने के लिए सिखाने के लिए ठीक है। और इससे क्या होता है टीचर एक नए स्ट्रैटेजी के साथ बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अधिगम व्यवस्था को प्रभावशाली अधिगम व्यवस्था की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना। आप ये चेक कर सकते हैं कि जिस मेथड से हम पढ़ा रहे हैं जो पूरा हमारा प्रोसेस है लर्निंग का वो कितना इफेक्टिव है कितना प्रभावशाली है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। भविष्य में प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए मूल्यांकन के आधार पर वांछित सूझबूझ प्राप्त करना कि फ्यूचर में कैसे हमें पढ़ाना है क्या चेंजेस करना है इन सब का यूज़ करना। तो ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आ गई एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र के अंतर्गत। सिंपल सी बात करें तो उद्देश्य मतलब आपका एम्स और लक्ष्य टारगेट को क्या करना एम्स और गोल्स को निर्धारित करना है आपको इन्वायरमेंट बना देना है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का बच्चों उसका मूल्यांकन में कि कैसे मूल्यांकन करना है टीचिंग विधि टीचिंग मेथड कैसे इस्तेमाल करना है आप जो पढ़ा रहे हैं उसका स्ट्रक्चर्स कैसे करना है बच्चों को एक नया माध्यम मीडिया प्रोवाइड करना ताकि वो बच्चे सीख सके। तो इन सारे क्षेत्र में एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए बहुत अच्छा सो इस पॉइंट्स का इस वीडियो का हम लास्ट पॉइंट देखेंगे फिर इसको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का लास्ट पॉइंट है दोस्तों शैक्षिक तकनीकी का महत्व इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। और इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को बिल्कुल आप अपने शब्दों में लिखिएगा आप अपने शब्दों में समझने की कोशिश करिएगा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का महत्व क्या है। जो चीज़ें अब तक आपने पढ़ी कि अधिगम प्रोसेस को प्रभावशाली बनाना ये इसका महत्व हो गया। दूसरा एक अच्छा वातावरण तैयार करना बच्चों के लिए सीखने के नए नए माध्यम देना उनको ज्ञान का प्रसार करना प्रचार करना संचरित करना आप एक जगह से दूसरे जगह इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ये क्या है एक संचार है इस वीडियो को शेप करके रख सकते हैं आपको आगे जब भी देखते तो ये क्या है दोस्तों ये स्टोर है दोस्तों इसको क्या कहते हैं संरक्षण करना है। तो इसके माध्यम से जन साधारण तक शिक्षा सबके लिए शिक्षा हर एक बच्चे तक शिक्षा आप क्या कर सकते हैं पहुँचा सकते हैं। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रौढ़ शिक्षा तथा सतत शिक्षा आदि कार्यक्रमों को प्रसार तथा विकास सफलतापूर्वक किया जा सकता है मतलब उन क्षेत्रों में भी जहाँ पे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं वहाँ तक भी आप क्या कर सकते हैं वहाँ तक प्रसार कर सकते हैं। जो लोग बड़े हो गए प्रौढ़ शिक्षा नहीं पढ़ पाए बचपन में उनको भी आप शिक्षा दे सकते हैं ठीक है। शिक्षण की प्रक्रिया अधिक प्रभावशाली तथा सार्थक बनाया जा सकता है ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्व है दोस्तों। शिक्षा के संगठन अब जैसे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी मतलब आपका ये भी हेल्प जैसे कंप्यूटर क्या है इज आल्सो पार्ट ऑफ द एजुकेशन टेक्नोलॉजी। तो आपका पूरा संगठन मैनेजमेंट आपका एडमिनिस्ट्रेशन आपका एग्जामिनेशन टीम आपकी इवैल्यूएशन टीम ये सारी टीमें काम कैसे कर रही हैं इनको भी आप एक व्यवस्थित तरीके से संगठन कर सकते हैं। बच्चों का अटेंडेंस रिकॉर्ड करना उनके मार्क्स रिकॉर्ड करना उनके डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड करना तो शिक्षा के संगठन प्रशासन व प्रबंधक की समस्याओं का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन तथा विकास किया जा सकता है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के माध्यम से सही है। चलिए बात करें तो आजकल सभी के पास रेडियो है मतलब रेडियो तो नहीं अब तो मोबाइल आ गया ये ट्रांजिस्टर्स हो गया टेलीविज़न की सुविधा सुलभ है मतलब उपलब्ध है। तो शिक्षा के लिए इन सब साधनों का उपयोग किया जा सकता है इन सब के जरिए आप क्या सकते हैं बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं। और आज को तो सबसे बड़ा जरिया लैपटॉप और मोबाइल हो गया है इसको अगर सही इस्तेमाल करें बच्चों तो हम अब आप देख लीजिए UPSC UPPCS
कितने कोर्सेस हैं ऑनलाइन आपको आपके मोबाइल पे मिल जा रहे हैं, तो इस सब के माध्यम से क्या कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं। विद्यार्थियों के पास सीखने के लिए उपलब्धि की वृद्धि की जा सकती है, जो भी आपके पास गैजेट्स है, डिवाइस है, मीडियम से उसको बढ़ाया जा सकता है एजुकेशन टेक्नोलॉजी से, यही इसका महत्व है। और क्या है भाई, अध्यापकों की कार्य क्षमता में वृद्धि किया जा सकता है। कोई टीचर ऑफलाइन में थोड़ा सा कैसे पढ़ाएगा, कम पढ़ाएगा, घर पे वो ऑफलाइन ऑनलाइन में ज़्यादा पढ़ा सकता है, ठीक है, या फिर ज़्यादा टीचर्स आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। अब किसी के पास नॉलेज अच्छा है लेकिन वो किसी दुकान पे काम कर रहा है, कहीं और काम कर रहा है, तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो भी आपको बता सकता है, वो भी आपको सिखा सकता है। इसके प्रयोग से अध्यापक का कार्य सरल, स्पष्ट, रुचिपूर्ण बन जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो ये क्या है भाई, एक इम्पॉर्टेंस है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का। सो ये दीज आर द लास्ट 3 पॉइंट्स ऑफ दिस वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, नहीं जुड़े चैनल से तो सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। ये 3 पॉइंट और देख के फिर हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। अध्यापक का दृष्टिकोण वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ एवं मनोवैज्ञानिक हो सकता है। तो 9 पॉइंट क्या, शैक्षिक तकनीकी का प्रमुख आधार व्यवहार होता है, अतः इसके द्वारा अध्यापकों तथा विद्यार्थियों में व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाया जा सकता है। मतलब एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से जब आप पढ़ाएंगे तो इंटरेस्टिंग होगा और बच्चे और स्टूडेंट और टीचर्स के बीच में एक अच्छा रिलेशन बनेगा। टीचर्स को पढ़ाने में आसानी होगी, समझाने में आसानी होगी और बच्चों को समझने में आसानी होगा, पढ़ने में आसानी होगा। तो लास्ट पॉइंट क्या है भाई, लास्ट पॉइंट देख लेते हैं कि नई शिक्षण, जैसे मान लो कोई नई टीचिंग कोई कॉन्सेप्ट आया, नई कोई थियरी आई है, ठीक है, शिक्षण उपकरण एवं विधियों का शिक्षण से प्रभावशाली बनाया जा सकता है। कहने का मतलब है नया ज्ञान की खोज करना, ठीक है, आप YouTube के माध्यम से कोई नया चीज़ पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, कोई चीज़ें आपकी थियरी हैं उसको प्रैक्टिकल कैसे करना है ये भी आप देख सकते हैं। तो ये एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से क्या है भाई, नवीन शिक्षण प्रतिपादन करना, नया अवधारणा, नया कॉन्सेप्ट, नई थियरी, नई ये चीज़ें क्या, और नए नए चीज़ें, नए नए ज्ञान को खोजना, संरक्षण करना उनमें सहायक होता है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। सो दीज ऑल आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। दोस्तों ये इतना इंपॉर्टेंट है कि कम से कम आपको, थैंक यू सो मच यहाँ तक बात देखने के लिए, कम से कम आपको एक सवाल तो यहाँ पे देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो आपने देखा कि इस छोटी सी आसान से शब्दों में हमने एक पॉइंट को यहाँ पे कवर अप कर लिया एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को, और आशा करते हैं कि अगली ऐसे ही एक ही वीडियो में हम इन सारे पॉइंट्स को कवर अप कर लेंगे, जिसे हम कहते हैं ट्रेनिंग स्ट्रेटजीज, ठीक है। तो आई होप कि आप सब तैयार होंगे, अगर तैयार हैं तो बने रहिएगा चैनल से, सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, शेयर कर दीजिएगा दूसरे तक, ताकि हम क्या कर सकें, अगले वीडियो में हम इस पॉइंट को डिस्कस कर सकें। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप एक काम कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए। कोई समस्या हो, कोई टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट में आप बता सकते हैं, कोई पॉइंट्स या कोई सब्जेक्ट या कोई सिलेबस या किसी भी विश्वविद्यालय से आप जुड़े हैं, कोई पॉइंट आप पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं अपनी अनुभव और अपनी योग्यता क्षमता के अनुसार मैं आपको कोशिश करूंगा कि वो समझा सकूं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना खूब ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।